के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दो दिवसीय दौरे पर अचानक गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ और महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर टेका माथा। जिले के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर से नव निर्वाचित सांसद रवि किशन पहुंचे कस्बा संग्रामपुर उनवल। भव्य अभिनंदन समारोह देखकर भाव विभोर हुए रवि किशन। सजनवा थाना पर तैनात उप निरीक्षक को एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। अपनी ही जमीन से मिट्टी निकाल रहे किसानों ने धन उगाही का था आरोप। 77 केंद्रों पर होगी गोरखपुर विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 11 से 14 जून तक स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए होगा प्रवेश परीक्षा। प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ रविवार को भी नगर निगम ने चलाया अभियान। भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन किया जब्त, आधा दर्जन दुकानदारों से वसूला जुर्माना। युवा इंडिया द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। आईपीएस शलभ माथुर ने कहा, प्रशिक्षित होने से महिलाएं बनेगी स्वावलंबी। गोरखपुर से नव निर्वाचित सांसद रवि किशन ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। सुना फरियादियों की फरियाद, दिया समाधान कराने का आश्वासन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंडल जला कर दी ट्विंकल को श्रद्धांजलि। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की किया मांग। अलीगढ़ की घटना पर कांग्रेसियों ने जताया विरोध। कैंडल जला कर दी श्रद्धांजलि। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। अपना समाज पार्टी ने चेतना तिराहे पर कैंडल जलाकर हवानियत की शिकार मासूम बच्ची को दी श्रद्धांजलि। किया जघन हत्या करने वालों के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग। और अलीगढ़ में हुई मासूम बच्ची के साथ हवानियत के विरोध में महिला संगठनों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। दोषियों को फांसी देने की मांग।